सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुजी, M6 कॉटन की बात की जाए तो M6 कॉटन में देख रहे हैं कि लगातार तेजी का दौर जारी है। 45,000 से शुरुआत हुई थी, अब देख रहे हैं 47,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या कभी भी शार्प करेक्शन बनेगी या फिर यहाँ से जो तेजी है अब वो अभी जारी रहेगी? ये कॉटन में भी तेजी है, जो ट्रेंड है वो रहेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही हम यहाँ पर 50,000 के लेवल आते हुए देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से और साथ में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पे तेजी लौटती हुई देखी। हमें लगता है कि जल्दी ही 50,000 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। स्विंग एक्टिविटी भी यहाँ पे स्लो चल रही है इंडिया के अंदर, इसका असर भावों पर रहा है और डिमांड भी यहाँ पे बढ़ी है। तो हमें लगता है कि अभी 50,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकता है। जी अनुजी, कॉटन का स्विंग सीजन भी है तो ऐसे में खबरें भी निकल के सामने आ रही है कि इस बार कॉटन की जो सोइंग है वो ज्यादा रह सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पहले के मुकाबले जो किसान दूसरी फसलों की सोइंग कर रहे थे क्या वो भी इस बार कॉटन की ओर शिफ्ट होते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल कॉटन की जो सोइंग है वो होनी चाहिए थी मगर उस बेस पे नहीं हो रही है। अभी जो सीजन है इसमें कॉटन की सोइंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी मगर अभी तक कॉटन की सोइंग जो है वो कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मौसम ने अभी उतनी प्री मॉनसून शावर जो है वो देखने को नहीं मिली है। और आगे भी अगर देखें तो जो जिस तरीके का तूफान की बात चल रही है, हो सकता है कि आगे मॉनसून थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि उसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस में आपको तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी,